नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम कर्क राशि के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। कर्क लगन से भी देख सकते हैं, गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है 13 अप्रैल 4:58 पर। गुरु कुंभ राशि छोड़ते हुए मीन राशि में प्रवेश किया है और एक साल तक अपनी स्वयं की राशि में गुरु का संचार होने वाला है। कर्क राशि वाले या लगन वालों का गुरु का गोचर बहुत ही सुंदर है। गुरु अब तक अष्टम भाव से निकल रहा था, अब ये गुरु आपके भाग्य से लंबी दूरी की यात्रा से, कहते हैं कि भाग्य में अगर कोई ग्रह एक भी सपोर्ट कर दे तो जो हम कर्म करते हैं उसका रिजल्ट 100% हमें आता है। ये भाग्य का खेल है, भाग्य जो है पिछले जन्म के कर्मों का फल हमें इस जन्म में दे देता है। और ये जो बृहस्पति है इतना शुभ प्लैनेट है जो कि आपके भाग्य में बढ़ोतरी करने आया है। 12 साल बाद इसका ट्रांजिट हुआ है, क्योंकि बृहस्पति हर साल एक राशि परिवर्तन करता है। आप समझ सकते हैं 12 साल बाद ये योग बना है और एक साल आपको पूरा ही इसका शुभ चीज़ों में विस्तार देखने को मिलेगा। बृहस्पति एक शुभ प्लैनेट है और जब ये देता है तो बहुत अच्छे से देता है, सुख में वृद्धि करता है। गुरु जीविका प्लैनेट है, बृहस्पति खुद अपने आप में एक बड़ा प्लैनेट है और कलर इसका येलो है। भगवान विष्णु के साथ इसका लिंक माना जाता है। बृहस्पति हमारे जीवन की एक, जिसको कहते हैं जीवनदाता ग्रह माना जाता है। जो जीविका को हमारा चलाता है वो बृहस्पति दोबारा ही होता है। रुके कामों में बृहस्पति का रोल होता है। जब काम हमारे रुक जाते हैं तो बृहस्पति खराब हो जाता है, और जब काम रुके कामों को खोल देता है तो बृहस्पति शुभ हो जाता है। इस ग्रह की खासियत यही है कि ये शादियां तक करवा देता है। जिनकी शादियां नहीं होती, लोग बहुत इंतज़ार करते हैं और इनका इंतज़ार बृहस्पति ख़त्म कर देता है। जब ये शादियों के योग बना देता है तब अच्छा मेट आपको मिलता है, लाइफ पार्टनर अच्छा मिलता है। तो ये गोचर आपके लिए बड़ा ही सुंदर आपका रहने वाला है। अगर हम इसके नक्षत्रों के ऊपर जाएं, देखिए नक्षत्र इनका जो है पूर्वा भाद्रपद यानी कि गुरु का नक्षत्र होगा, चौथे चरण से ये प्रवेश करेगा नक्षत्र जो है, और 29 तारीख को ये नक्षत्र बदल लेगा। 29 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद जो कि शनि का नक्षत्र होता है, शनि का आध्यात्मिक नक्षत्र में इसका प्रवेश होगा, तब भी अच्छा फल देगा क्योंकि शनि कुंभ राशि में होगा तब आपके। और 25/2/2023 को ये बुध के नक्षत्र में जाएगा, रेवती नक्षत्र जिसको कहते हैं। और इसका जो लास्ट जो चरण, मतलब यानी कि लास्ट जो इसका गोचर बनेगा वो 22 अप्रैल 2023 तक बनेगा, उसके बाद ये मेष राशि में एंटर कर जाएगा। तो ये साल जो है बृहस्पति का ही है समझ लीजिए, और इस वर्ष का जो राजा और मंत्री हैं वो भी शनि और बृहस्पति हैं। आप समझ सकते हो कि दोनों के पास डिपार्टमेंट अच्छे मिले हुए हैं। पिछला साल मंगल की वजह से आपने देखा था कितनी उथल पुथल चीज़ें रहीं मंगल के द्वारा, और टिल अप्रैल जब तक नवरात्रे नहीं हुए आपने इसका मंगल का देख ही लिया है, क्योंकि दोनों ही राजा मंत्री थे। अब जो है स्थितियाँ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। अब बृहस्पति का जो संचार आपका इस तरह से रहेगा, नवम भाव आपको मालूम है लंबी दूरी की यात्रा पिता का होता है। आपके भाग्य में अब आपको भाग्य में साथ देगा बृहस्पति, भाग्य बनाएगा। आपके जो अच्छे कर्म आपने किए हुए थे उसका आपको फलित यहाँ पर बृहस्पति देने जा रहा है। बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपकी राशि पर जा रही है, लगन पर जा रही है। बहुत सुंदर योग है ये। जब भी फर्स्ट हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि जाती है तो सेहत में फ़ायदा करता है, आपकी मान प्रतिष्ठा में फ़ायदा करता है, धार्मिक कार्यों में आपकी एक्टिविटीज़ रहने वाली है, धर्म के कार्य में आपका मन लगेगा। जब आप धर्म के कार्य में आपका मन लगेगा तो नेचुरली आपके जो डिवाइन पावर है आपके साथ जुड़ेगी और आपके आपको ब्लेसिंग देगी, तो ब्लेसिंग के द्वारा आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसकी जो दृष्टि जा रही है वो तीसरे भाव पर भी जा रही है। तीसरे भाव जो है आपकी छोटी दूरी की यात्रा का है, सोशल मीडिया का है, आपके भाई मित्रों का, सिबलिंग का है, आपके इंटरव्यू का भी है। तो बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपकी तीसरे भाव पे होने से आपको जॉब इंटरव्यू कार्यक्षेत्र में वृद्धि और मित्रों से सपोर्ट मिलेगा। आपके भाई मित्र आपकी आप बात को सुनेंगे जो नहीं सुन रहे थे। आपके अंदर एक विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी, क्योंकि तीसरा भाव विल पावर का भी होता है।
विल पावर अगर आपकी किसी की भी विल पावर अगर स्ट्रांग हो तो वो कहते हैं कि कुआं खोद के भी पानी पी लेता है, इस तरह से उसके अंदर प्रवृत्ति आ जाती है। इसी तरह बृहस्पति की दृष्टि आपकी पंचम भाव पर जा रही है जो कि मंगल की राशि पे है, तो आपने जो पुण्य कर्म किए होंगे पिछले जन्म के उसका फल जहाँ देने वाला है, कि पंचम और नवम जो भाव होता है वो हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को डिफाइन करता है। आपकी बच्चों की तरफ जो आपकी जो फोकस होगा बहुत सुंदर होगा, बच्चों की पढ़ाई की तरफ खासकर, जो आप सोच रहे थे कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, वो बहुत सुंदर फोकस होगा। आपकी खुद की एजुकेशन में बढ़ोतरी होगी अगर आप एजुकेशन में आगे जाना चाहते हैं। आपके अंदर बॉडी में पावर आएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, जो रोग होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता बॉडी में ये ग्रह बढ़ा देते हैं और कई बार कम भी कर देते हैं। तो रोग जो होते हैं वो एक तरह से हमारे शत्रु होते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से आप योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करोगे और आपके अंदर एक विल पावर स्ट्रांग होगी जिसके द्वारा आप अपने दिमाग का सही यूटिलाइज करके व्यापार में वृद्धि करोगे। बृहस्पति का ये जो मूवमेंट है बहुत सुंदर है, इसमें बृहस्पति वक्री भी होगा जुलाई में और ये मार्गी भी होगा और ये राशि नहीं बदलेगा, राशि सेम रहेगी, पूरा साल इसमें ट्रांजिट करेगा टिल अप्रैल 2023 तक, 22 अप्रैल 2023 तक इसका संचार रहेगा, फिर ये मेष राशि में प्रवेश कर देगा। बृहस्पति का मूवमेंट बहुत सुंदर है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उपाय ऑलरेडी कल मैंने बृहस्पति का एक बहुत सुंदर उपाय हल्दी का दिया है शॉर्ट वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं, वीडियो को फॉलो भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में आपको वो टैग भी मिल जाएगा उस वीडियो को, आप इस वीडियो को जितना आगे शेयर करेंगे उसमें लोगों को भी भला होगा। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं, नमस्कार।